रायबरेली वित्त विहीन विद्यालय संगठन एवं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दोनों संगठनों द्वारा विभिन्न विद्यालयों के लगभग 100 शिक्षकों को मंच के माध्यम से पुरस्कार व सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायबरेली के DIOS श्री ओमकार राणा जी रहे। रायबरेली वित्त विहीन विद्यालय संगठन के प्रबंधक धर्मेंद्र सिंह चौहान जी ने बताया कि सरकारी शिक्षकों का सम्मान तो सरकार करती रहती है, किंतु प्राइवेट शिक्षकों के लिए सरकार के पास कोई भी सम्मान करने की व्यवस्था नहीं है। अतः आज मंच के माध्यम से इतना बड़ा आयोजन कर विभिन्न विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया गया है कि शिक्षा में जहां सरकार सरकारी बजट से कितना पैसा खर्च कर रही है और नतीजा क्या आ रहा है, प्राइमरी जूनियर स्तर पे कितने विद्यालय संचालित हैं और शिक्षा का स्तर क्या है। मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से मांग भी करता हूं कि वित्त विहीन विद्यालयों से जुड़े शिक्षकों को एक उचित मान दे सरकार दे, जिससे कि इनकी भी रोजी रोटी घर गृहस्थी भी चल सके। जहाँ ये कम पैसे में शिक्षा देने का काम करते हैं, अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, वहीं इनकी घर गृहस्थी को चलाने की भी जिम्मेदारी ये सरकार की बनती है। मैं ये आप लोगों के माध्यम से आह्वान भी करता हूँ, मांग भी करता हूँ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।